शरीर है हमें बड़े भाग्य से ये मानव शरीर मिला। हमने बहुत इसका एक्सप्लेन सबने किया है, हैं एक्सप्लेन जरूर देखो। जो लोग थोड़ी लिखे पढ़े ना माताएं, जो थोड़ी सी लिखे पढ़े तुम लोग कोशिश करना कथा को पूरा, एक कथा को एक कथा को याद कर। तुम्हारी बेटी कहाँ गई, आती नहीं क्यों? उसको बोल देना महाराज जी याद कर रहे थे, हैं उसने अभी तो बच्ची है ना, पढ़ाई कर रहे हैं, टीचर है, हैं अभी तो वो टीचिंग करता है। लेकिन ये चीज़ को तुम्हारी बेटी ने बहुत भक्ति में लाई लाई ना बहुत, हाँ। इसलिए ये श्लोक बड़े इम्पोर्टेंट श्लोक है। ये यूट्यूब में सब कथा जा रही हैं, बोल देना इसको देख करके उसको याद कर ले और उसको कल जरूर लेकर के आना। और कल है हमारे बहुत सारे संतों का श्री गदाधर पंडित, ये कौन है, श्री राधा रानी, कल का इनका तिथि है। भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति जगत का भगीरथ है, जिन्होंने भक्ति धारा को जगत में लाई, उनका भी कल तिथि। और किसका तिथि है, स्वरूप दामोदर, हाँ बोल दिया ना। और किसका है, दो है, और स्वरूप दामोदर मुझे लगता है। इसलिए जो जो ललिता सखी की जो अवतार है, कल बहुत सारे संतों का तिथि, इसलिए कल हम कोशिश करेंगे सभी के लिए प्रसाद की यहाँ व्यवस्था करेंगे, ज़्यादा नहीं लेकिन सभी के लिए कोशिश करेंगे, जैसे आप लोग कहीं पर पेट भर के प्रसाद खा लेंगे, जाना ज़्यादा आइटम नहीं करेंगे, काम करेंगे, ठीक है। हाँ मैं ऐसे डाल देना, कल वैष्णव का तिथि सब लोग आज, हाँ महाप्रसाद, इसलिए हाँ सुन लो। इसलिए उस श्लोक को हमने बहुत व्याख्या सुनी है, श्लोक में मैंने बहुत बताया, कहते ये श्लोक में कहते तृणम जतेत न पतेत अनमृत जावत, कहते जो भक्ति कब से करनी चाहिए, कहते तृणम, तृणम मतलब होता है जितना जल्दी पारो भजन को शुरू कर दो। जो दूसरा जो काम है ना उसके लिए थोड़ा पीछे रख लो, जैसे संसार का काम है, हम सबसे पहले ज़्यादा इम्पोर्टेंट किसको देते हैं, ये संसार के काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं, हैं ये घर गृहस्थी काम को ज़्यादा इम्पोर्टेंट देते हैं। भगवान कहते नहीं, ये तो काम होता रहेगा, ये तो जन्म जन्मांतर में तुम यही करते हुए आए, तुमको मानव शरीर लाभ होने से पहले जो तुमको 84 लाख जन्म तुम भ्रमण किया तुमने किया है, चार ही काम तो किया, आहार मतलब सुन रहे तो भोजन किया, सोए, बच्चों को जन्म दिया, बस उसको खिला पिला कर बढ़ कर मर गया,
ऐसे कौन सा जानवर नहीं जो काम करते करते नहीं आए, सबके सब करते करते आए, लेकिन इसी जीवन में वो चीज़ को स्टॉप करो। स्टॉप करते हुए ये 84 लाख जन्मों के बाद में जो एक बार ये जीवन मिला है, ये जीवन में प्रभु का भजन करने के लिए कोशिश करो, क्योंकि प्रभु की भक्ति से प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, देखो जीवन में सारा जीवन में केवल दो काम के लिए हम चेष्टा करते हैं। बता सकते हो दो काम क्या है? जन्म से लेकर मरने तक केवल दो चीज के लिए ही संपूर्ण जीवन को देते हैं। बोलो, हाँ, सुख कैसे मिले और दुख कैसे जाए। देखना केवल ये दो काम के लिए जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन दुख गया नहीं और सुख अभी तक आया है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं तो ये दुख जाएगा कैसे, सुख आएगा कैसे? तो बच्चों को कह रहे, बोले बच्चों भगवान की भक्ति के द्वारा जैसे तुमको सुख मिलेगा व दुख जाएगा जगत में, और कोई उपाय नहीं जो उपाय के द्वारा सुख लाओगे और दुख को भगाओगे, केवल प्रभु की भक्ति से ही। क्योंकि सारे दुख का जो कारण है हमने कृष्ण बोली से ही जीव अनादि बहिंग, अनादि काल से हमने भगवान को भूल गए, इसलिए ये सारे दुख का कारण है। जब उनको भक्ति करने लग जाओगे पर तो सुख अपने आप आ जाएगा, तुमको सुख बुलाने का जरूरत नहीं, अपने आप जैसे सूरज उदय होने पर अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। बताओ हनुमान जी दिन भर करते हैं क्या? राम का सेवाई तो करते हैं ना, राम का नाम तो लेते हैं, लेकिन अपना दुख तो दूर किया, सबका दुख दूर करते हैं। शंकर जी को देखो, देवी को देखो, हमारे गणेश जी को देखो, दिन भर प्रभु का भजन, प्रभु का नाम सिवाय कुछ करते ही नहीं, और अपना दुख गया सबका दुख दूर करते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं क्या करो, बोले तृणम। तृणम मतलब होता है जितने जल्दी पारो प्रभु का भजन में लग पड़ो। दूसरे काम अगर थोड़ी सी बाकी रह जाएगा ना, कोई चिंता मत करो, वो होता रहेगा। कुछ कुछ कोई कहते ना, अगर मैं नहीं रहते तो बच्चे को कैसे पाल, हमारे बच्चे कैसे पालेंगे। देखो हमारे, मैं यूरोप जाता हूँ, हॉलैंड में एक परिवार है, उनका 4 बेटी है और 2 बेटे हैं, 4 बेटी थे। उनको जो पिताजी, जो बच्चे एकदम छोटे छोटे थे, एकदम छोटे छोटे थे, उनका पिताजी शरीर छूट गया, ये प्रत्येक घटना है। लेकिन ये सबके सब परिवार क्या हुआ, हमारे गौर गोविंद महाराज थे, उनका शरण में आए, मेरे गुरु हमारे भक्तिवर नारायण गोस्वामी महाराज का शिष्य है, अभी बाद में सबके सब आए। आप सोच नहीं सकते, इन लोगों ने प्रभु की भक्ति करने का वजह से उनको जितना, दूसरे जो परिवार के लोग उनको खिली उड़ाते, देख क्या दिन भर हरे कृष्ण करते रहते हो, हैं कोई काम धाम है नहीं, अरे पढ़ाई पढ़ाई करो ठीक ठाक से, क्या हरे कृष्ण करते हो, उनको 20 करते रहते थे, हैं। लेकिन उनका परिवार इतने होनहार तुम जो सोच नहीं सकते हो। उसका 2 बेटे इतने बड़े बड़े काम करते हैं, उसको अभी जब जाते हैं एक गाड़ी उनको सरकार तरफ से मिला जिसका कीमत 1 करोड़ रुपया, जो गाड़ी में ले जाते हैं उसके हैंडल भी पकड़ने का जरूरत नहीं, हैंडल भी पकड़ने का जरूरत, सरकार तरफ से मिला है। दोनों भाई इतने, और उनका जो बहन इतने बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं ना, इतने अच्छा अच्छा एडवांस किया, क्योंकि प्रभु के चरण में आए, भक्ति करते थे, भजन करते थे। भगवान कहते हैं ना, मेरे तरफ में 1 कदम बढ़ो, मैं 10 कदम बढ़ूंगा। इतने अच्छे, और जो उनको जो 20 करते थे, क्या दिन भर हरे कृष्ण भजन करते रहे, तो कोई काम धाम नहीं। उनका बच्चे सब बर्बाद, कोई शराब पी रहे, कोई डांडीबाजी कर रहे, कोई जुआ खेल रहे, उनका सब बच्चे सब बर्बाद हो गए। लेकिन इनके जितने बच्चे इतने होनहार, वृंदावन में भी आते हैं, हम लोग गाड़ी में बैठा करके, हम जब परिक्रमा से आते हैं ना, उनको गाड़ी में हम जितने श्रीदाम श्रीकांत, उनको गाड़ी में हमारे अलग गाड़ी कर देते हैं, अलग गाड़ी करके, हाँ राष्ट्रप्रिया जो शशिकला दीदी, ये लोग विजय उनका बेटा हैं, इतने उनका जो बहू मिली बड़ी, बहुत बड़ी अच्छी डॉक्टर की, डॉक्टर ही है। इसलिए प्रभु की भक्ति करोगे ना, पिताजी चले गए, लेकिन चले जाने पर भी इतने होनहार बने तुम सोच नहीं सकते। इसलिए यहाँ पर कहते तृणम, दूसरे काम को पीछे रखो, प्रभु का भजन करो। भगवान के लिए बढ़ोगे तो देने वाले ठाकुर है और लेने वाले भी ठाकुर हैं। इसलिए कहते भैया जितने जल्दी पारो प्रभु का भजन में लग पड़ो। प्रभु की तृणम, तृणम मतलब होता है जितने जल्दी, हम कहते हैं ना कल कर सो आज करो और आज कर सो अब, बोले पल में प्रलय होगी बहुरी रही कब। इसलिए कहते भजन के लिए देर मत करो, जितने जल्दी प्रभु की भक्ति में लगो। हैं इसलिए बोले जिस समय भगवान राम ने रावण को मारे, जब मर गए, मरने जा रहा था अभी भूमि में पड़ा हुआ, तब राम ने लक्ष्मण को बोले, लक्ष्मण ये जो रावण है ना
ये बहुत बड़े ज्ञानी हैं, बहुत वेदज्ञ थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनके पास अच्छी ज्ञान, जाओ अंतिम समय में उनसे कुछ ज्ञान लेकर के आओ। तब लक्ष्मण वहाँ पर गए, बोले भैया ने आपके पास में भेजा, हमें कुछ ज्ञान की बात बताओ। तब रावण कह रहा है, बोले लक्ष्मण जो शुभ काम के लिए कभी देर नहीं करनी चाहिए और अशुभ काम के लिए देर करो, शुभ काम के लिए कोई देर नहीं करनी चाहिए। मैं मेरी मन में दो चीज इच्छा थी, अगर ये दो चीज़ कर लेता तो मेरा तो कल्याण हो जाता। बोले पहला चीज मेरी इच्छा थी, मैं सब लोग स्वर्ग जाना चाहते हैं, मैं सोच रहा था स्वर्ग के लिए सीढ़ी बना दो और सबके सब सीढ़ी में चढ़ते चढ़ते स्वर्ग चले जाए, हैं। लेकिन मेरे लिए कोई बड़ी भारी बात थी नहीं, मैं आसानी से बना सकता था। मैंने सोचा रही ये बात मेरे लिए थोड़ी बड़ी भारी बात, कभी मैं बना दूंगा, लेकिन बना दूंगा बोले तो मैंने बना नहीं पाया। दूसरी इच्छा थी जो समुद्र पानी, मतलब तीन भाग जल है, तीन भाग समुद्र है और एक भाग ये पृथ्वी स्थल है, तीन भाग ही पानी पानी है। समुद्र का पानी कभी देखे हो? कौन कौन देखे, देखो कितना मीठा है, एकदम नमकीन है, एकदम खारा है पानी, मुंह में भी नहीं दे सकते इतना खारी। लेकिन तीन भाग तो पानी, लेकिन किसका प्यास नहीं बुझा सकती, ये किसका प्यास नहीं बुझा सकती है। लेकिन ये सोच रहा था अगर समुद्र पूरा पानी को मीठा बना दूँ ना, बात सब लोग पानी जब पियेंगे, बोले भैया ये पानी को मीठा किसने बनाया? बोले रावण। बोले हमें तो अपनी आप स्वर्ग चले जाता, सबका आशीर्वाद मिलता है ना। लेकिन मेरे लिए कोई बड़ी भारी बात थी नहीं, मैं आसानी से कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कर ही दूंगा, मेरे लिए थोड़ी कोई बड़ी भारी बात है, मेरे को तो पता नहीं था रामचंद्र मेरे को मार डालेंगे, मर जाऊंगा। इसलिए यही जगत में आश्चर्य चीज़ें हम लोग सोचते हैं, हमसे जो छोटे थे वो भी कोरोना में चले गए देखना, लेकिन हम क्या सोच रहे, अरे वो गया गया हम चढ़ जाएंगे, हम तो अभी तक 100 साल तक जीता रहेंगे पूरा, ये बड़ा आश्चर्य चीज़ जगत में। इसलिए उन्होंने दो उनको अंतिम उपदेश दिया है, अच्छे काम के लिए देर नहीं करनी चाहिए। और जगत में सबसे अच्छे क्या है, अच्छी क्या है, भगवान की भक्ति, प्रभु का भजन सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया कुछ जगत में नहीं। इसलिए बोले तृणम, जितने जल्दी पार प्रभु का भजन में लग जाओ। जब पतेत न पतेत अनमृत जागत, कहते जो काल है ये हमारी चोटी को पकड़ कर रखा है, कहते जिसको भजन करना है ना उसको कैसे भक्ति में करनी चाहिए, भैया काल चोटी पकड़, कोरोना में कितने लोग गए हैं, ये काल हमें चोटी पकड़ कर रखा, किसी समय घिसटते हुए हमें ले सकता है। इसलिए क्या करो, जितने जल्दी पार प्रभु का भजन में लग जाओ, प्रभु की भक्ति में लग जाओ। इसलिए भक्ति करे किसी उम्र से, जैसे कुछ बच्चे लोग भजन करते हैं ना, कोई कोई बोलता होंगे अरे ये कोई भजन करने का तुम्हारी टाइम है, अभी तो लिखाई पढ़ाई करो, लिखा पढ़ा करके फिर नौकरी चाकरी करो, शादीशुदा करो, बच्चों को बड़ा बनाओ, फिर बच्चों का जब शादीशुदा कर दोगे ना, फिर जब रिटायर लाइफ हो जाओगे, रिटायर फिर एकदम माला कर देना, ये अभी से इसी उम्र से क्या भजन करते हो, दुनिया के सारे लोग हमें यही बात कहते ना। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते नहीं, देखो दूसरा श्लोक याद कर लेना ठीक है, ये प्रहलाद महाराज बच्चों को कह रहे हैं, बोले कौमार आचरते प्राज्ञम, किसको याद है श्लोक, किसको कोई याद है? हाँ, इसलिए कल कोशिश करना पहला श्लोक तो याद कर ही लेना, हमें कितने साल से उम्र करनी चाहिए, बच्चों तुम लोग सब याद करना, तुम लोग बहुत ज़रूरत है ठीक है ना, आप लोग सब याद कर लेना ठीक है। इसलिए कहते कौमार आचरते प्राज्ञम धर्मान भागवत अलिह दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदपि अध्रुवम अर्थतम, कहते प्रभु का जो भक्ति है, कहते 5 साल उम्र से प्रभु का भजन शुरू कर देनी चाहिए। क्यों 5 साल से क्यों शुरू करनी चाहिए, तब प्रहलाद महाराज इसके लिए बड़ी सुंदर सुंदर उन्हें एग्जाम्पल देकर के बच्चों को समझाया, उन्हें क्या समझाया हम इसको कल, तो कल संतों का तिथि है, कल संतों का तिथि सुनेंगे, परसों इसको सुनेंगे ठीक है। क्यों कह रहे, देखो केवल एक ही क्लास याद करो, एक ही क्लास याद कर दो, आप किसी को भी प्रभु के बारे में आप समझा सकते हो ठीक है ना। जो थोड़ा कम उम्र के तुम लोग कोशिश करना, जब बड़े बूढ़े हो गए जितने याद कर लो कर लेना, और जो बच्चे लोग याद करना ठीक है। हम कथा को यही विश्राम करते, आज कुछ बनाया नहीं ना, बनेंगे फिर ले भक्तों को दे दो, जल्द जल्द चल जाओ। और कल है, और जितने तुम्हारे अड़ोस पड़ोसी भक्तों को बोल देना, कल संतों का तिथि है और कल भी प्रसाद है और परसों भी गुंडचा मंदिर में अर्जुन विशेष दिन है, आप लोग कोशिश करना सवेरे 9 बजे आ जाओगे तो मंदिर का आप साफ सुथरा करेंगे,
उसी दिन मंदिर साफ करने से हृदय साफ हो जाता है। महाप्रभु भक्तों को लेकर मंदिर साफ करते थे, क्यों मंदिर साफ करते थे, इसका क्या रहस्य है, इस विषय के ऊपर बहुत अच्छे तरह से इसकी हम लोग इसकी कथा सुनेंगे। और हम 9 बजे आ जाओ फिर मंदिर साफ पूजा कर देंगे, उसके बाद में फिर यज्ञ होगा, फिर उसके बाद में आप लोग प्रसाद लेकर के दोपहर में सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, फिर प्रसाद लेकर के जाना। फिर उसको जो तीसरे दिन रथ यात्रा जगन्नाथ जी की, अभी तो हम सोच रहे थे हमारे जो भूमि लिया है हम हो सके तो हम उसको उसी दिन बढ़िया दिन ही होगा तो भूमि पूजा उसी दिन कर ले। फिर हम लोग कल बात को बैठ करके बात करके फिर आपको बताएंगे। और उसी दिन शाम को भी सभी के लिए प्रसाद की व्यवस्था है, जगन्नाथ जी रथ यात्रा शाम को कथा के बाद में प्रसाद है, जगन्नाथ जी विशेष विशेष प्रसाद की व्यवस्था है, ठीक है। हाँ अभी सब भक्त लोग आ जाए, आ करके बात करेंगे, ठीक है। बोले भंसागल कृपा सिंह नाम पावन भो वैष्णव एक मजरा दे देती है।